कहाँ चोरी हुई है? कौन सी गली नंबर है? क्या एक नंबर गली, उत्तम कॉलोनी, एक नंबर गली। क्या अब चोरी हुआ है? ये नहीं पता होगा ना क्या क्या पड़ोस में चोरी। रहते हो आप, हाँ जी तो पड़ोस में। आपने देखा किसी को आते जाते? अच्छा, हम तो नहीं देखे, नहीं देखे हैं किसी का। हम लोग काम पर जाते हैं ना, हम लोग नहीं देखे। नहीं देखे। नहीं। वैसे कोई नशेड़ी नशूड़ी वगैरह यहाँ पे कोई घूमते हो दिन में? ये तो पार्क में घूमते ही रहते हैं। हाँ पार्क में तो तो यहाँ पे घूमते तो रहते हैं। बहुत चोरी होते हैं, पहले ही बहुत बार चोरी हो हाँ गई है। हाँ बहुत चोरी होते हैं। 5 नंबर गली में भी चोरी हुआ है। पकड़े नहीं जाते, इस वजह से उनके घोंसले बुलंद है, तो पता कि पकड़ा तो हाँ जाना तभी नहीं तो है। हो रहा है, तभी तो हौसला बुलंद है। चोर के पकड़ते ही नहीं है कोई, पकड़ना चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए। तो आप सबको मिलकर एक कैमरे का भी करना चाहिए ना अरेंजमेंट, और सारे क्या, मिलके कैमरा और लगवा दिया तो करेंगे, क्या? गरीब दुखिया अब हम सर कहाँ से लाएंगे, एक एक पैसे तो कमाते हैं, कहाँ से करेंगे, वो लगाएंगे। 50,000 रुपये कह रहे हैं, 50,000 रुपये तो बंदा हाँ 5 साल में गरीब जोड़ता दुखिया जाके। वाले सारे बिहार गए हुए हैं। अब शाम को आया तो देखा ताला टूटा हुआ है, तब हम लोगों को पता चला। दुख होता है जब एक एक दुख रुपया एक होते एक हैं पैसा जोड़ते हैं लोगों के सारे घर में पोचा लगाकर, पोचा सिर लगाकर पे दुखिया तसला लोग मान उठाकर। मान के कोठियों में काम कर करके लोग एक एक पैसे जोड़ते हैं। और ये देखो ये सलाम मिलता है। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले ये लोग थे, और जो इनका सामान था, जो इनका औजार था, उसी औजार के साथ जो चोरों ने यहाँ पर पहले गेट से कूद कर अंदर आता है, और अंदर आने के बाद इन्हीं के औजारों से जो गेट का मेन ताला है उसको तोड़कर अंदर से जो सामान है, 50,000 रुपये की नकदी उठा दे रहे हैं, और 40 से 45,000 रुपये का जो सोने का सामान था वो लेकर फरार हो गए। परिवार इनका बिहार किसी शादी समारोह में गया था, और पीछे से चोरों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। पहले ये अरवी 112 यहाँ पर पहुंचती है, और उसके बाद जो थाना बतीदी थाना है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और मौके की जो कार्रवाई है वो करते हुए भी नजर आ रहे हैं। उत्तम नगर गली नंबर 1 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, दिन में ही जो चोरों ने एक घर में घुसकर वारदात को अंजाम दे दिया। घर में 50,000 रुपये के आसपास जो नगद था वो पड़ा हुआ था, और 40 से 45,000 रुपये का जो ज्वेलरी का सामान था उस पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। उत्तम नगर गली नंबर 1 की ये तस्वीरें हैं। जो व्यक्ति था, जो घर का मालिक है, वो दिहाड़ी मजदूरी करता था, और पूरा परिवार बिहार में किसी शादी समारोह में गया था, और जो पैसे 50,000 रुपये रखे हुए थे उसने बिहार में अपने पत्नी के अकाउंट में डालने थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि अकाउंट में डालने से पहले ही कोई घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दे देगा। उसके जो घर में औजार पड़े हुए थे उसी औजारों से पहले जो चोरों ने घुसकर ताला तोड़ा। ताला तोड़ने के बाद घर का सारा सामान खंगाला, अलमारी, जो ट्रंक पेटी सब कुछ खंगाला, टैची खंगाली, और जो पैसे थे वो निकाल लिए। संतुष्टि नहीं हुई, और जो ज्वेलरी का सामान था वो रजाइयों में लपेट कर पत्नी रख कर गई थी, लेकिन उसको भी जैसे तैसे उन्होंने खंगाला, और उस पर जब नजर पड़ती है चोरों की तो उसको लेकर फरार हो जाते हैं। फिलहाल जो डायल 112 की टीम है मौके पर पहुंची, और उसके बाद नजदीकी थाने बत्ती 33 वाले को सूचना दी गई, और वो भी यहाँ मौके पर पहुंचकर जो कार्रवाई है, उचित कार्रवाई है, वो करते नजर आ रहे हैं, ताकि मामले की तफ्तीश गहनता से की जाए, और वहां तक पहुंचने के बाद जो चोरों को कहीं ना कहीं धर पकड़ भी जरूर किया जाएगा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल उत्तम नगर गली नंबर 1 की है। पल पल की अपडेट भी रहेगी। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ये सब सारे ज्वेलरी ज्वेलरी सारा कुछ फेंका हुआ था घर में, क्या सुपरा हुआ था 50,000 रुपये गोदरेज में, वो भी सारा निकाल के ले गए। क्या काम करते हैं आप? मैं टाइल पत्थर काम करता हूँ। कब पता लगा कि आपको? मैं 7 बजे आया काम करके, फिर मैं किसी ताला खोला तो मैं देखा सारे सामान बिखरा हुआ था, फिर मैं बाहर चला गया रसोई बुलाने के लिए। समझ रहे घर में हाथ साफ होगी, भाई चोरी होगी। कितने का सामान चोरी हुआ? 50,000 कैश था, और ये 40-45,000 का जेवर था। कितने पैसे एक साथ घर पे चोर किए थे? मतलब भेजना था ना घर बिहार, मेरे को भेजना था घर। घर वाले की तबीयत खराब था, बोला चल मैं सोमवार के बैंक बैंक खुलेगा तो बैंक में डाल दूँगा। बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, सोमवार को डाल देना, इतना मैं किसी से ले लूँ करके, पंचा करके फिर काम कर रहा हूँ, डॉक्टर करवा रहा हूँ, फिर जाकर मेरे भेज देना बस। बाकी परिवार वाले कहाँ गए हुए? सारे गए हुआ गाँव, 24 तारीख बच्चे अच्छे सारे गए हुए गाँव। शादी है? शादी भी है, और तुम बीमार हो गया था, तबीयत खराब था। तो शक है किसी पे? मेरे तो सर मैं तो काम पे था, मुझे क्या पता कौन है नहीं, इधर भी काम हो रहा था। किसी से आपने बताया हो कि मेरे घर में इतने पैसे रखे हुए हैं, मैंने सोमवार को भेजने हैं? नहीं नहीं किसी को नहीं बताया जी, मैं सिर्फ 7-8 बजे काम कर आता हूँ, खाता हूँ, और बस सोता हूँ। सवेरे फिर मैं 9 बजे निकल जाता हूँ टाइम से अपना ड्यूटी, क्योंकि घर में कोई है ही नहीं, मैं वो वाले कमरे में सोता हूँ बस, वहाँ भी सारे सामान सामान बिखर रखा था। तो आपके सामान से जो आपके औजार उसी से तोड़ा ताला उन्होंने? उसी से तोड़ा जी, सोफा के नीचे था,
हथौड़ी रखा हुआ था बस उसी से वाला गेट तोड़ा, फिर जाके वो वाला गेट में नहीं कुछ मिला, फिर ये वाला गेट तोड़ करके इसमें सारा कुछ किया। आसपास कहीं कैमरे लगे हुए हैं? कैमरे कहीं लग रहे हैं आसपास में, किसी स्कूटी गाड़ी भी नहीं रखा हुआ सबने? ना कोई नहीं रखा हुआ। तो आप क्या करते हैं? मैं टाइल पत्थर काम करता हूं। तो पुलिस को सूचना दे दी है? दे दिया जी, आया कार्रवाई कर रहा है, देखो क्या होता है। कार्रवाई क्या नाम है आपका? मनीष दास। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे हैं। उत्तम नगर गली नंबर 1 में दिन में ही चोरी की जो वारदात है उसको चोर वारदात को अंजाम दे देते हैं। आपको बता दें दिहाड़ी मजदूरी करने वाला जो व्यक्ति है वो घर से काम करने के लिए गया था, परिवार के जो लोग हैं वो बिहार गए हुए हैं, पीछे से चोर चोरी कर साफ यहाँ से भाग जाते हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है, उत्तम नगर गली नंबर 1 की ये तस्वीरें हैं, जहाँ से 45 से 50 हजार रुपये जो नगद कैश बताया जा रहा है, 45 से 50 हजार रुपये नगद कैश था, और जो गोल्ड का सामान था वो भी जो पर्स में पड़ा हुआ था, पर्स खाली करके दरवाजे के आगे ही फेंक के चले जाते हैं, और जो इसमें सामान था सोने का वो सारा लेकर फरार हो जाते हैं। कितने तक की चोरी हुई है? 50 हजार रुपए कैश बता रहे हैं ये मालक, और इसके बाद ज्वेलरी बता रहे हैं कम से कम जो है ना 40-42 लाख के आस, ये सॉरी 40-42 हजार के आसपास। अच्छा, 40-42 हजार की ज्वेलरी बता, ज्वेलरी बता। तो दिन में ये कहाँ पे, दिन में हुई चोरी? दिन में हम लोग रूटीन के हिसाब से काम पे निकल जाते हैं सर, तकरीबन 8:30-9 बजे हम लोग घर छोड़ देते हैं। अब ये लंच में भी नहीं आए, ना ही मैं आया, मैं इनका पड़ोसी हूँ, 2 घर बाद मेरा घर है, और ये आगे ये पहुँचे हैं, पीछे मैं पहुँचा हूँ। ये कहते हैं गेट खोलते ही कह रहे हैं मेरा घर तो साफ है, इतने में मैं इनके साथ ही आया, ये गेट खोलने के बाद सीधा बाहर गए, इनके साथ भागते हुए हम आए, देखते हैं ये सारा पोजीशन इस तरह हो रहा है, सारा चीज बिखरा हुआ है, पूरे घर का ही सामान। बाकी परिवार के सदस्य कहाँ गए? बाकी परिवार के सदस्य 24 तारीख को ही कोई शादी का फंक्शन अटेंड करने के लिए बिहार गए हैं, हम लोग बिहार के प्रवासी मजदूर हैं, यहाँ किराए से बचने के लिए छोटा सा ये देख लो आप टीन टप्पर डाल के इस तरह बना रखे हैं, और इसी में बच्चे पाल रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, किराए से बच रहे हैं। तो मकान के ताले टूटे हुए थे कैसे? नहीं, मेन गेट का ताला लग रहा था, वो चोर जो है ना गेट के ऊपर से कूद के आया होगा, तो ये गेट के जो उनसे फाइबर है वो फाइबर भी ब्रेकेज हो रहे हैं, अंदर के 2 कमरे हैं, दोनों कमरे का ताला टूट रहा है। क्या जानकारी मिली थी, कितने बजे हुए सर? ये दिन में ही किसी टाइम हुआ होगा, हम लोग मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, 8:30 से 9 बजे तक घर छोड़ देते हैं, शाम को हम 6 बजे के बाद ही आते हैं, आगे ये मालक आ रहे हैं, पीछे पीछे मैं आ रहा था, मेरे को 2 घर बाद मेरा अपना घर है, तो ये गेट मेन गेट का ताला खोलते ही अंदर एंट्री करते ही कह रहे हैं मेरा घर तो खाली कर दिया, इतने कहते हुए बाहर निकले, फिर इनके साथ साथ हम भी अंदर आए और भी पड़ोसी आए। क्या कुछ लेके? यहाँ 50 हजार रुपए कैश बता रहे हैं जो इनका रखा हुआ था अलमारी में, और बड़े वाले बक्से में रजाई था, रजाई में तह करके इनकी पत्नी ज्वेलरी रखी और गांव गई थी, जो 24 तारीख को ही गई है अभी पीछे। कोई गांव में देख सकते हैं पत्नी, देख रहे तस्वीरों में जो परिवार है वो कहीं ना कहीं परिवार एक शादी समारोह में बिहार गया हुआ था, और पीछे से जो चोर है उस पर चोरी करते हुए हाथ साफ कर देते हैं। जो जांच अधिकारी है बताते थाना के वो यहाँ पर पहुँच कर जो कार्रवाई है वो जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। जगह पे चोरी हुई, आप लोगों को कब पता चला जो चोरी हुई है यहाँ पे? ये तो आप ही आए हैं, अभी पता चला है, बिल्कुल 6:30 बजे उसके बाद पुलिस बुलाई है। पुलिस तो पहले ही आई, ऊपर से आए हैं तब ताला खोले, काम पर तो देखा कि अंदर के ताला टूटा हुआ है, अभी अभी पता 5 बजे 6 बजे के पता चला है। बिल्कुल हर कोई हैरान है, आप देख सकते हैं किस तरह से देखते तस्वीरों में जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी कहते डरे हुए जरूर नजर आ रहे सहमे हुए क्योंकि सर यहाँ पे ना सर यहाँ पे काफी महीने पहले वहाँ पड़ोस में भी हमारी चोरी हुई थी, तो उसके बाद हमने कार्रवाई करवाई, फिर अब तक कुछ रिजल्ट ना कोई पकड़ा गया। एक दिन तो मेरे कुंडा टूटा पड़ा था गेट का मेन। आज क्या जानकारी मिली है सर? यहाँ पे अभी पता लगा, अभी शाम को ही अभी ड्यूटी से आया था, पता लगा अभी यहाँ पे चोरी हो गया। गरीब परिवार है? हाँ बिल्कुल गरीब सर, दिहाड़ी मजदूर, अपना दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हम बंदे हैं जी, सारे 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 लोग मजदूरी करते हैं। चोरी की वारदात हुई है, हमारे पास जानकारी मिली थी जो उत्तम नगर में चोरी हो गई है, जो जांच चल रही है, जांच करके पैसे और जेवरात ले गए। हाँ जी, 50 हजार कैसे बता रहे हैं और कुछ ज्वेलरी बता रहे हैं। घर पे कोई नहीं था उस समय? घर पे कोई नहीं था। तो आसपास के कैमरे भी चेक किए जाएंगे? हाँ जी चेक किए जाएंगे।